इस पॉइंट पे आपको सेंट गैलन सिटी का, पूरे के पूरे सिटी का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का व्यू देखने को मिल जाता है। सुबह सुबह आप यहाँ पर आएँ वॉक करने और एक हसीन नज़ारा देखें, तो आपके आपका पूरा का पूरा दिन जो है एक अच्छे तरीके से गुजरे। राइट नाउ मैं यहाँ पर इस माहौल को, इस व्यू को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहा हूँ और इसको फील कर रहा हूँ। ड्राई वायरन यानी तीन तालाब शहर के वस्त में अमन का एक नहलिस्तान है। तालाब जो दर हकीकत इलाका मकीने अपने पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और अपने फ़न यानी तैराकी के लिए नए गुसलखानों के साथ तमीर किए थे। सैर व तफरी और तैराकी के लिए ये एक मशहूर मुकाम है। तालाब 400 साल कबल शहर के लिए पानी ज़खीरा करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन कोई भी सही तौर पर नहीं जानता कि कब लोगों ने यहाँ तैराकी या गुसल करना शुरू किया। लेकिन 18वीं सदी के अवायल तक इन दिनों में नहाने की सहूलियात पर सनफ से अलहदगी के सख्त कवानीन को बरकरार रखते हुए खवातीन, लड़कों और मर्दों के लिए पहले से तालाब मौजूद थे। सुबह सुबह का टाइम है और इतनी ठंड में जो है लोग कच्छे पहन के नहा रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है कि किस किस्म के लोग हैं ये, और ठंड इतनी है कि मुझे यहाँ पे कपड़े पहन के भी ठंड लग रही है। लेकिन ये पानी आई थिंक अबाउट बहुत ठंडा होगा, तो सुबह के टाइम अभी टेम्परेचर भी काफ़ी जो है कम है, मीन तो ठंड है, तो ये लोग काछे पहन के नहा रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही किस मिट्टी के बने हुए हैं ये लोग। उन लोगों को इस तरह नहाते हुए देख के सच्ची में मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई है। कैसे नहा रहे हैं ये इतनी ठंड में। हकीकत में पहले 5 तालाब थे, जिनमें से 3 तालाब अब बाकी हैं। इन्हें 17वीं और 20वीं सदी के माबैन दौर में खोद कर खींच लिया गया था या भर दिया गया था, और ब्लेजिस के दौरान आग लगाने के लिए पानी की फराहमी और शहर को ब्लीच के लिए पानी की फराहमी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। एक मांगलर की मदद से पानी को स्टैरिस में म्यूलिक वेयर के ऊपर धकेल दिया गया और इसके बाद शहर की तरफ रवाना कर दिया गया। दिन को अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पर बैठने का भी आपको इंतज़ाम मिल जाता है। नेचर के साथ ही उन्होंने किया हुआ, बिल्कुल लकड़ियों की मदद से उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक सेटिंग प्लेस भी बनाई हुई है, जहाँ पर लोग आके बैठते हैं दिन को और धूप वगैरह सेकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर आके अपने टैलेंट का भी जो है इजहार करते हैं लोगों के सामने, गिटार बजाना, सिंगिंग करना। तो दिन को काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त चूँकि मैं मॉर्निंग में आया हूँ तो कोई भी मौजूद नहीं है, सिवाय जो स्विमिंग करने आए हुए हैं लोग, उनके अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन दिन को अच्छा खासा रश होता है इस प्लेस पे।